देवरिया कांड पर नया खुलासा। देवरिया कांड पर पहली बार बोली सुनीता मिश्रा। प्रेम यादव के ड्राइवर पट्टू की पत्नी है सुनीता मिश्रा। देवरिया केस में प्रेम यादव के ड्राइवर नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू जब गिरफ्तार हुआ था, केस में एक नया मोड़ आया था। उसी पट्टू की पत्नी सुनीता मिश्रा अब इस केस पर पहली बार बोली है। सुनीता ने इस देवरिया कांड का ऐसा सच बताया है जिसके जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुनीता ने बताया कि कैसे प्रेम यादव का जब झगड़ा हुआ था तब उसके पति पट्टू के पास फोन आया था। उस फोन पर पट्टू ने कैसा रिएक्शन दिया था, फिर उस फोन के एवज में क्या एक्शन लिया था, क्या पट्टू राइफल लेकर प्रेम यादव को बचाने भागा था या फिर उसने कुछ और कदम उठाए थे। देवरिया कांड पर सुनीता ने पहली बार तो बोला, लेकिन जो भी बोला वो जिसने भी सुना चकित रह गया। सबसे पहले तो सुनीता ने अपने पति को निर्दोष बताया है। जाहिर है एक पत्नी अपने पति के बचाव में उतरेगी। पट्टू निर्दोष है या दोषी ये तो अब अदालत तय करेगी। सुनीता ने ये दावा किया है कि पट्टू तो उस दिन मौके पर पहुंचा ही नहीं था। उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तो 250-300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला प्रेम यादव का महज एक ड्राइवर है। सुनीता ने सवाल भी पूछा कि जब जमीन का विवाद प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच था तो उसका पति पट्टू किसी को गोली क्यों मारेगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पट्टू ने पुलिस के सामने खुद स्वीकार किया है कि उसने दुबे परिवार के 3 लोगों पर गोलियां चलाई थी। साथ ही देवरिया पुलिस ने पट्टू के बयान के आधार पर ये भी बताया कि वो प्रेम यादव का राइट हैंड था, लेकिन नवनाथ और पट्टू की पत्नी पुलिस के इन दावों को सिरे से नकार रही है। पट्टू के बारे में सुनीता ने सिलसिलेवार तरीके से बताया। सुनीता के मुताबिक जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन पट्टू घर में ही था। वो जस्ट सोकर उठा ही था कि उसके फोन पर रामजी यादव नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसमें रामजी यादव ने बताया कि प्रधान जी के घर झगड़ा हो गया है, जल्दी पहुंचो। लेकिन बकौल सुनीता, पट्टू फोन पर बात करने के बाद शौच के लिए चला गया। फिर करीब 15 मिनट बाद वो घर से निकला। वो पैदल ही गांव की तरफ जाने लगा था। सुनीता ने बताया कि जब तक उसका पति नवनाथ घटना स्थल पर पहुंचा, प्रेम यादव पक्ष की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इसके बाद सुनीता ने ये भी कहा कि राइफल कौन ले गया, गोली किसने चलाई, इन सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। वहीं उसके पति खुद पुलिस के सामने गया था, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने गिरफ्तारी की है। राइफल भी उसके पास नहीं थी। ऐसे में अब मन कर रहा है कि बच्चे समेत जहर खा लूं। अंत में सुनीता ने ये रोते रोते जरूर कहा कि उसका पति पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रेम यादव के ड्राइवर नवनाथ का क्या सच है, उसकी पत्नी सुनीता और पुलिस ने अपने अपने हिसाब से तो बता दिया है, लेकिन सच क्या है ये पूरी तरह से साफ तभी हो पाएगा जब इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।